हेलो वीरवन वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड ये हम लोग का वॉल्यूम वन का लास्ट लेक्चर होने वाला है द लिमिटेशन एक्ट 1963 के ऊपर ठीक है तो हम लोग अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जैसा कि हमने बाकी वीडियोस में देखा है हम सारे प्रोविजंस नहीं देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखेंगे जहां से क्वेश्चन आए हैं या आने के चांसेस होते हैं ठीक है कोई भी ऐसा एक्ट हम पढ़ते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसका ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ठीक जनरली अब पूछा नहीं जाता बट जानना आपको चाहिए क्लियर इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना चाहिए आपको ठीक तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इस एक्ट का ईयर 1963 ठीक सेक्शन टू की हम लोग बात करते हैं सेक्शन टू किसके बारे में डील करता है डेफिनेशन ज्यादातर जो एक्ट्स हैं उसका सेक्शन टू जो है वो डेफिनेशन ही है तो सेक्शन uh, टू करके नहीं पूछेगा कभी भी जब भी पूछेगा उसके अंदर की डेफिनेशन पूछेगा ठीक फिर से बता देता हूं मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा डेफिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बता दे रहा हूं कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है टू सी डिफाइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट इंक्लूड्स अ अंडी एंड अ चेक ठीक ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा टू डी बॉन्ड टू एफ ईजमेंट टू एच गुड फेथ टू जे पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये आपका इंपॉर्टेंट है ये आपसे कई बार लास्ट मुझे जहां तक याद आ रहा है किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया है और चांसेस हमेशा रहते हैं कि यह पूछा जाएगा प्रोमिसरी नोट वेरी इंपॉर्टेंट कहां पे है टू के में ठीक एल सूट टू एम टॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टॉर्ट कहीं और पे भी डिफाइंड नहीं है ठीक है टू एन ट्रस्टी यह इतने डेफिनेशन थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसकी हम लोग आप बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री क्या बोलता है बार ऑफ लिमिटेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेड इन सेक्शन फोर टू ट्वेंटी फोर मतलब कि इस एक्ट में जितने भी आगे सब सेक्शन हैं या सेक्शन हैं इंक्लूसिव बहुत इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग सेक्शन फोर एंड इंक्लूडिंग सेक्शन ट्वेंटी फोर एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रीफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड इंपॉर्टेंट ऑल दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेटअप एज अ डिफेंस ठीक है तो सेक्शन थ्री हमारे ये बोलता है कि कोई भी सूट या कोई भी अपील या कोई एप्लीकेशन जो कि अपने लिमिटेशन पीरियड के बाद में की गई है भले ही वहां पर एज अ डिफेंस लिमिटेशन क्लेम ना किया जाए वो डिसमिस हो जाएंगे शेल बी डिसमिस्ड क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट इसको माफ करिएगा नाउ सेक्शन फोर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड वेन कोर्ट इज क्लोज ये बहुत जनरल सा प्रोविजन है कि अगर कोई एक लिमिटेशन पीरियड है वह एक्सपायर हो रहा है तब जब कोर्ट बंद है ठीक है कोई वेकेशन है या उस दिन कोई हॉलीडे है तब क्या होगा ऑन द नेक्स्ट डे वन द कोर्ट रीओपन तब हम एप्लीकेशन सूट अपील कर सकते हैं बेसिक सा है ये इसमें कुछ है नहीं सेक्शन फाइव एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस तो यहां पर जैसे होता है कि इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं डिले कंडोनेशन ठीक एक्सटेंशन में भी प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट एक्सटेंशन जो है वह कोर्ट दे सकती है ठीक बट कहां पर नहीं देगी अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर ट्वेंटी वन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन जीरो एट ऑर्डर ट्वेंटी वन में जो भी एप्लीकेशन दी जाएंगी वहां पर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा ठीक है तो ऑर्डर ट्वेंटी वन क्या है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ट्वेंटी वन डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से ठीक इसको याद रखिएगा यहां पर सेक्शन फाइव के अंडर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सिक्स क्या बात करता है सेक्शन सिक्स लीगल डिसेबिलिटी ठीक देखिए इतना लंबा चौड़ा मैंने लिखा हुआ है आप नोट से उठा करके पढ़ सकते हैं मैं आपको बस दो मिनट में इसको समझा देता हूं ठीक यहां पर चार सिचुएशंस हैं एक दो तीन चार ठीक पहली सिचुएशन बोलती है अगर कोई पर्सन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ध्यान देना है सेक्शन सिक्स जो भी बात कर रहा है वो बात कर रहा है किसके लिए अ पर्सन एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड अ माइनर और एन ही ट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसबिलिटी है सीज़ मतलब कि अगर कोई पर्सन उसके पास राइट right है वो एंटाइटल है किस लिए टू मेक अ टू इंस्टीट्यूट सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, बट उस टाइम उसको लीगल डिसबिलिटी हो जाती है वो या तो माइनर है इनसेन है या इडियट है तो क्या होगा जब उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी तब उसे उतना टाइम पीरियड जब तक वो अफेक्टेड था वो मिलेगा और उस टाइम पीरियड के अंदर वो सूट या एप्लीकेशन फाइल कर सकता है क्लियर सेकेंड सिचुएशन क्या है अगर वो दो ऐसी डिसेबिलिटीज से अफेक्टेड है तब क्या होगा तब वही सेम चीज जितने टाइम के लिए वो अफेक्टेड था वो टाइम जब डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी उसको मिलेगा ठीक नंबर थ्री अगर उसकी डिसेबिलिटी जो है लीड्स टू डेथ तब क्या होगा भाई तो जब तक उसकी डिसेबिलिटी और डेथ ये जो टाइम है ये पूरा टाइम जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा ठीक नंबर फोर अगर उसकी ये डिसेबिलिटी है फिर ये ठीक हो गया और फिर यहां पर डेथ हो गई तब क्या होगा जितने टाइम पीरियड पे वो डिसेबल रहा है वो टाइम पीरियड उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा क्लियर उस टाइम पीरियड में एप्लीकेशन या सूट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फाइल किया जा सकता है ठीक है जल्दी से पढ़ भी देता हूं इफ अफेक्टेड बाय टू सच डिसेबिलिटीज और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी ही इज अफेक्टेड बाय ही डिसबिलिटी इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोर्ड डिसबिलिटीज है डिसबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ Of that person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed for the time so specified. Where a person under disability dies after the disability ceases but within the period allowed to him, under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death. एज वुड अदरवाइज क्लियर अब हम लोग सेक्शन सेवन देखते हैं सेक्शन सिक्स बहुत इजी है आप लोग को हमेशा बस ये ध्यान देना होगा कि लीगल ऑफिसर या लॉ ऑफिसर का जो भी एग्जाम होता है उसमें सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक सेक्शंस में क्या बोला गया है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं करनी है बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज होने की जरूरत नहीं है सेक्शन सेवन डिसबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन Where one of several persons, one of several persons jointly entitled to institute a suit, jointly entitled, or make an application for the execution of a decree is under any such disability, such disability, which section 6 and a discharge can be given without the concurrence of such person, without the agreement of such person. टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल सबके अगेंस्ट में टाइम रन करने लगेगा अगर वहां पर उसके एग्रीमेंट लिए बिना डिस्चार्ज दिया जा सकता है तो बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवेन अगर नहीं ऐसा डिस्चार्ज हो सकता विदाउट विदाउटेंस या एग्रीमेंट के टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ दैमटिल वन ऑफ दैम बिकम्स कैपेबल ऑफ गिविंग सच डिस्चार्ज विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द अदर्स और अंटिल द डिसबिलिटी है बहुत छोटा सेक्शन था इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए नेक्स्ट सेक्शन एट सेक्शन एट ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल एक्सेप्शन नथिंग इन सेक्शन सिक्स और इन सेक्शन सेवन अप्लाइज टू द सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन ठीक और शेल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन थ्री इन फ्रॉम द सेशन ऑफ द डिसबिलिटी और द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन मतलब की दो चीजें पहला भाई की सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रियम्शन इस पे सिक्स और सेवन एप्लीकेबल नहीं होंगे दूसरा है सिक्स और सेवन में जो एक्सटेंशन मिलता है टाइम का वो तीन साल से ज्यादा का नहीं होगा क्लियर नेक्स्ट Section 9. Continuous running of time. Where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it. Provided that, where letters of administration to the estate of a creditor have been granted to his debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues. इसको थोड़ा सा समझिए सेक्शन नाइन जो है वो ये बोलता है कि एक बार अगर लिमिटेशन पीरियड रन करना स्टार्ट कर दिया तो कभी स्टॉप नहीं होता चाहे कोई भी इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी आ जाए इसका जो प्रोविजो है है वो क्या बोलता फॉर एग्जाम्पल एक क्रेडिटर है और एक डेटर है ठीक जो क्रेडिटर है उसने कुछ पैसे दिए हुए थे इस डेटर को अब ये चाहता है कि इससे ये पैसे मुझे वापस मिले इसके लिए इसे सूट करना होगा ठीक पर इसके पास इतना लिमिटेशन पीरियड है, ओके? Okay? इसने सूट नहीं किया, मान लेते हैं कि इतना टाइम निकल गया इसने सूट नहीं फाइल किया यहां पर होता क्या है फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाता है मान लेते हैं ठीक जिसका कि काम होगा कि भाई देखो कि ये डेटर के और कितने कितने क्रेडिटर हैं कहां कहां से इसने पैसा लिया है सबको चुकाना होगा ओके okay? तो ये जो प्रोसेस है ये देखने वाला अगर ये इतने पीरियड को भी एक्सीड कर जाता है तब क्या ये जो क्रेडिटर है ये सूट फाइल कर पाएगा डेटर को तो यही यहां पे बताया गया है कि हां अगर एक बार लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर तब द रनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू रिकवर द डेट शेल सस्पेंड शेल बी सस्पेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू जब तक यह एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेगा तब तक ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उस पीरियड के लिए सस्पेंड हो जाएगा फिर जितना पीरियड बचा होगा उसके बाद से कंटिन्यू होगा क्लियर नेक्स्ट सेक्शन ट्वेल्व वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चंस आए भी हैं और यहां से लगातार क्वेश्चन जो है वो आते भी हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स देखिए यहां पर कुछ भी समझाने जैसा नहीं है इसको आपको रटना पड़ेगा और जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में रटना पड़ेगा ठीक है इसको कर लीजिएगा यह वन यह टू यह थ्री यह फोर ठीक है फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड जिस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होना होता है वो डे हम एक्सक्लूड कर देंगे क्लियर उसके बाद एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिविजन और फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेन ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिक्री सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम शॉर्ट टू बी रिवाइज और रिव्यू शेल बी एक्सक्लूडेड ठीक है तो जिस डे वो जजमेंट प्रोनाउंस किया गया और जो सेंटेंस या डिक्री जिसके अगेंस्ट में हम अपील कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं वो उसकी कॉपी लेने में जितना समय लगा यह दोनों एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और शॉर्ट टू बी रिवाइज और रिव्यूड और एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर द टाइम रिक्विजिड फॉर ऑप्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट शेल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड ठीक है नेक्स्ट एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड अगर है तब क्या होगा द टाइम रिक्विजिड फॉर ऑप्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शेल बी एक्सक्लूडेड ठीक है तो यहां पर चार सिचुएशन है कि अगर यह सिचुएशन होगा तो कितना टाइम पीरियड जो है वह एक्सक्लूड किया जाएगा लीगल प्रोसीडिंग में जो लगता है ठीक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन थर्टीन ये भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली यहां से जितने भी सेक्शंस आएंगे वो लगभग लगभग सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेर लीव टू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर एज अ पॉपर मतलब इंडिजेंट पर्सन ठीक बहुत गरीब एंड लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर हैज बीन मेड एंड रिजेक्टेड अपील हमने की या एप्लीकेशन दी और वो रिजेक्ट हो गई है तब द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बिन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड उतना टाइम पीरियड जो जितना लगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ओके सेक्शन थर्टीन सेक्शन फोर्टीन ये भी इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन ऐसी कोर्ट के सामने आपने प्रोसीडिंग्स रन की इनिशिएट की जहां पर जुडिस्टिक्शन नहीं था लेकिन ये जो था ये बोनाफाइड अटेम्प्ट था आपका तब वहां पर सच पीरियड शेल बी एक्सक्लूडेड ठीक है सेक्शन फिफ्टीन एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस कहां कहां पे उसको देखते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसको वन करिए इसको टू इसको थ्री और इसको फोर ठीक है पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री तब क्या होगा द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैजीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर उसका एग्जीक्यूशन जो है उस पर कोई इंजंक्शन या ऑर्डर है जिसकी वजह से वो स्टेड है द टाइम ऑफ द कॉन्टीन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर द डे ऑन विच इट वॉज इश्यूड और मेड एंड द डे ऑन विच इट वॉज विड फर्स्ट डे से लेकर के टेंथ डे तक अगर पूरा इंजंक्शन ऑर्डर था ठीक फर्स्ट को इंजंक्शन ऑर्डर इशू हुआ सेकेंड से लेकर के टेंथ तक मान लेते हैं था और इलेवेंथ uh, को मान लेते हैं वो विदड्रॉ हुआ तो यह पूरा पीरियड जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ठीक है कब जहां पर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होगा वहां पर नेक्स्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड तब क्या होगा द पीरियड ऑफ सच नोटिस और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टेनिंग सच कंसेंट और सेंक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड क्लियर वेरी सिंपल The period of limitation for any suit or application for execution of a decree by any receiver or interim receiver appointed for the adjudication of a person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed for the winding up of a company. Tab kya hoga? The period beginning with the date of institution of such proceeding and एंडिंग विदपायरी ऑफ थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच रिसीवर और लिक्विडेटर एस द केस में जो पूरा पीरियड है ठीक है जहां पर हमने सूट या एप्लीकेशन किया है किस लिए फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय रिसीवर जो कि इंस्टॉलमेंट पर्सन के लिए या बाय लिक्विडेटर जो कि कंपनी के लिए है वाइनिंग अप के लिए ठीक तब क्या होगा वहां पर इस प्रोसीडिंग के इंस्टीट्यूशन से लेकर के जब वो पर्सन रिसीवर या आ, क्या बोलते हैं लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ उसके तीन महीने तक ये जो पूरी प्रोसीडिंग है ये जो पूरा टाइम है ये एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ठीक नेक्स्ट इसको फाइव करिए द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded very simple the period of limitation for any suit the time during which the defendant has been absent from india and from the territories outside india under the administration of the central government wo period be, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ठीक है ये पांच प्रोविजन जो है सबसेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कभी कभी सबसेक्शन भी पूछ लेता है कि किस सबसेक्शन में यह बोला गया है तो इसलिए पूरा याद करिए नेक्स्ट सेक्शन सिक्सटीन इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एप्रूवल ऑफ द राइट टू सू वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट मेक एन एप्लीकेशन डाइज बिफोर द राइट एक््रूज और वेर आर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक् ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन तब क्या होगा द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेन देर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज केपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन ठीक है दो चीजें हैं यहां पर पहला है कोई एक पर्सन है अगर वो जिंदा होता तो उसके पास राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट या मेक एन एप्लीकेशन होता ठीक अब वो मर जाता है ठीक कब जब राइट right अक्रू हुआ उसके पहले ही ये हो गई एक सिचुएशन या उसके मरने पर ही राइट right अक्रू हुआ तब तब क्या होगा ये बोथ सिचुएशन में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कंप्यूट किया जाएगा कब से जब वहां पर कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट या मेकिंग सच एप्लीकेशन होगा ठीक सेक्शन 161 वन सेकेंड देखो वेर अ पर्सन अगेंस्ट हुम यहां ध्यान देना वहां पर बात हो रही थी कौन फाइल करेगा और यहां पर किसके अगेंस्ट में फाइल होगा अगेंस्ट हुम If he were living, a right to institute a suit or make an application would have accrued, dies before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased अगेंस्ट हुम द प्लेटिव मे इंस्टीट्यूट सच सूट और मेक सच एप्लीकेशन सेम चीज है क्या है अगेंस्ट हुम uh, आप इंस्टीट्यूट कर सकते हो वो अगर वो मर जाता है तब राइट right एक हुआ या उसके मरने पर राइट right एकूव हुआ मतलब राइट एक होने से पहले मर गया या मरने के बाद राइट right एक हुआ तब क्या होता है वहां पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जब वो केपेबल हो जाएंगे कि प्लेनटिव उनके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट कर दे सूट तब से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा ठीक सेक्शन सेवनटीन ये भी इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल नॉट बिगिन टू रन अंटिल द प्लेटिव और द एप्लीकेंट हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड और द मिस्टेक और कुड विथ रीजनेबल इंटेलिजेंस हैव डिस्कवर्ड इट जब तक वो फ्रॉड डिस्कवर नहीं हो जाता या नॉर्मल प्रूडेंस के साथ वो डिस्कवर नहीं हो सकता था तब तक जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो रन नहीं करेगा इन केस ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक वेयर अ जजमेंट डेटर हैज बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब क्या होगा द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड एक्सटेंड द पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर इफ सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड वेरी सिंपल मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है अगर कोई जजमेंट डेटर है जेडी वो बाय फोर्स या बाय फ्रॉड जेसी को जजमेंट क्रेडिटर को फोर्स कर रहा है रोके हुए है कि वो विद इन लिमिटेशन पीरियड एग्जीक्यूट ना करवा पाए डिक्री तब क्या होगा कोर्ट जो है अगर ये जजमेंट क्रेडिटर विद इन वन ईयर जब उसने वो फ्रॉड डिस्कवर किया उसके अंदर अगर ये एप्लीकेशन कर सकता है तो यह जो लिमिटेशन पीरियड जो कि एक्सपायर हो चुका है वो एक्सटेंड हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट सेक्शन 19 इफेक्ट ऑफ पेमेंट उंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीगेसी अगर ऐसा होता है तो क्या होगा अगर ऐसा पेमेंट हुआ है मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड है अगर अगर यह पेमेंट जो है एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेन द पेमेंट वॉज मेड क्लियर यह प्रिस्क्राइब पीरियड था अगर यहां पर हमने पेमेंट कर दिया तो एक नया प्रिस्क्राइब पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन 22 टू कॉन्टीन्यूइंग ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट तब क्या होगा अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच और द टॉर्ट कंटिन्यूज वेरी सिंपल ये इंपॉर्टेंट भी है मैंने बताया ना सेक्शन 12 के बाद से सारे सेक्शन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन 24 फोर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑल इंस्ट्रूमेंट्स शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी मेड विद रिफरेंस टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर इंपॉर्टेंट ये कई बार पूछ भी लिया जाता है हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव एक्विजीशन ऑफ इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन तो यहां पर सबसे पहले देखो क्या बात हुई है इजमेंट्स की इजमेंट हमने देखा है सेक्शन टू में डिफाइंड है कहां पर टू एफ में ठीक ऐसे ही जोड़ जोड़ के पढ़ना होगा हमेशा आगे क्या होता है इजमेंट एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बिन पीसेबली एंजॉयड देयर विथ एज एन इजमेंट अगर आप एयर लाइट वाटर कोर्स ये सब अगर वे भी है इसमें अगर ये आप पीसेबली एंजॉय कर रहे हो ईजमेंट की तरह ईजमेंट आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी एयर uh, लाइट या वाटर कोर्स इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे हो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी तो 20 साल तक और अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो 30 साल तक अगर आप पीसेबली एंजॉय कर रहे हो विदाउट एनी इंटरप्शन तो आपका उसमें इजमेंट्री राइट right बन जाता है और आप उसे अपने फेवर में डिक्लेयर भी करवा सकते हो उसके लिए आपको एस आर वो प्रोसीडिंग है वो अलग बात है ठीक है जब वहां पे पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे एज एन ईजमेंट एंड एज ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर ट्वेंटी इयर्स द राइट टू सच एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर वे वॉटर कोर्स यूज ऑफ वॉटर और अदर ईजमेंट शैल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिसिबल क्लियर ये आपका एप्सोल्यूट राइट right हो जाएगा अगर आपने ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है अगर आपने 20 साल तक लगातार उसको एंजॉय किया विदाउट एनी इंटरप्शन और पीसेबली एंजॉय किया तो ठीक यहीं पे है अगर ये उसके बाद ये अगर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो यहां पर आपका तीस साल का एंजॉयमेंट होना चाहिए ठीक अब यहां पर थोड़ा सा देखिए च ऑफ द सेट पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर शैल बी टेकन टू बी ए पीरियड एंडिंग विद इन टू ईयर्स नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेर इन द क्लेम टू विच सच पीरियड रिलेट्स इज कंटेस्टेड आपने यह बीस साल तक एंजॉय किया अब इसको आप विद इन टू ईयर्स में आपको इसको डिक्लेयर करवाना होगा अपने फेवर में ठीक या आपने 30 साल तक एंजॉय किया अब उसको विद इन टू ईयर्स में आपको डिक्लेयर करवाना होगा अपने फेवर में ठीक है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां पर बताया गया है कि यह दो साल तक का होगा आपके लिमिटेशन एक्ट में ठीक है तो आई होप यहां पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं एक और चीज आप लोग से मैं कहना चाहूंगा कि केस अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है देखिए कोई भी गलती मुझसे जानबूझकर नहीं होती मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूं उसको आपको दोबारा बैरैक देखने की जरूरत ना पड़े बट ह्यूमन एरर हो सकती है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी और अगर ऐसा आपको कुछ मिलता है तो उसको प्लीज पॉइंट आउट करिए मुझे रीच आउट करिए और मुझे बताइए ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं और ग्रुप में एक मैसेज डाल सकूँ बाकी सबके लिए ओके तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन गुड बाय